हम रांची के टाटी सिल्वे स्थित झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम आए हुए हैं और यहाँ से लगातार जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्किल्स हासिल कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट लगातार यहाँ से हो रहा है और एक और बैच का प्लेसमेंट हुआ है। 2021 बैच के जो 55 छात्र यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे उनका प्लेसमेंट हो चुका है। लगभग 15 दिनों के बाद जो है वो विभिन्न कंपनियों में जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ के छात्रों ने हासिल की है, वो बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने झारखंड का सबसे बड़ा 3D प्रिंटिंग बनाया है। और उन बच्चों से भी बात करें, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा जो है ये प्रीमाइसेस है झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम का, जहाँ पर विभिन्न तरह के जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर जो छात्र पहुँचते हैं उन्हें प्रदान किए जाते हैं। और बहुत बड़ा जो ये कैंपस है और इस कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे तरह तरह के मशीन जो है लगातार बनाते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी उपलब्धि जिस तरह से मैंने बताया कि 3D प्रिंटर बनाया है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर है। जो छात्र हैं हमारे साथ, इन्होंने ही मिलकर इस प्रिंटर को बनाया है। देखिए यही जो रूप है, जो ढांचा है, ये तैयार हो चुका है। कैसे काम करता है, कैसे बनाया, कितना समय लगा, इन छात्रों से जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। आदर्श कुमार सिंह जी, इस पे तो बात करेंगे, साथ ही आपका प्लेसमेंट भी हो चुका है। आपके जो जितने भी बैचमेट्स हैं, 55 बताया जा रहा है उनकी संख्या, सभी का प्लेसमेंट हो चुका है। 2021 में जब यहाँ आए थे, क्या कुछ लेकर आए थे और जब प्लेसमेंट मिल गया तो खुशी है? यस सर, बहुत खुशी है। क्या सोचे थे? सर यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे प्रैक्टिकल मशीनिंग वगैरह, बहुत कुछ अलग अलग तरह की आधुनिक मशीन्स है। यहाँ रहने उने के लिए भी फ्री है, सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री ही मिलता है। यस सर, वो भी बड़ी बात हो जाती है कोई छात्र जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं। यस सर, उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब जो आगे कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है। परिवार पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता। यस सर। कौन से जिला? सर कौन से जिला के आप रहने वाले हैं? हम सर यहीं के रहने वाले, रांची के ही हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोग तीन लग इधर आ जाइए और आप लोग इधर आ जाइए, एक एक करके अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम गौरव कुमार है। आपका? सर मेरा नाम विशाल कुमार है। आप भी रांची के हैं? हाँ सर, आप भी रांची के हैं। यस सर। तो तीनों रांची के छात्रों ने मिलकर ये 3D प्रिंटर बना दिया है। अब ये वर्क कैसे करता है ये बताइए, समय कितना लगा इसका? सर समय हमें लगा था, हमने सेकेंड सेमेस्टर से ही बनाया था, तो 2 साल लगा ही है। 2 साल लग गया। बताइए वर्क कैसे, काम कैसे करता है? सर ये बेसिकली ये टोटल मॉडल CNC के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें 3 एक्सिस की मशीन है, ये हर 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 डायमेंशन में ये चलती है। ये सर इसमें लीनियर बैरल और ट्रैक लगा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये मूव करता है। अच्छा बताइए, एक कुछ अगर यहाँ निकलवाना हो, प्रिंट करना हो, तो क्या प्रिंट कर सकते हैं? सर इसमें हर टाइप का आप मॉडल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए सर, एक डेमो है, इसमें हम लोग ड्रॉइंग कर सकते हैं, वायर कटिंग कर सकते हैं, हर तरह का। अच्छा ये हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ इसमें? हाँ सर, इससे और 10 times बड़ा हम लोग कर सकते हैं, 1x1 meter का कर सकते हैं। हाँ सर, उससे भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए वो स्टैचू को लेकर आ जाइए। देखिए ये स्टैचू, देखिए अमूमन जो है काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन 3D प्रिंटर के माध्यम से जो है आप इसका हूबहू ढांचा जो है तैयार कर सकते हैं। और इसी को लेकर जो है इन्होंने ये जो 3D प्रिंटर है वो बनाया है, और इसे 10 गुना बड़ा जो है कोई भी स्टैचू हो या कुछ और हो वो बना सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या बना सकते हैं? इससे सर हम लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं, लेज़र कटिंग भी कर सकते हैं, और CNC का वर्क भी कर सकते हैं। अच्छा CNC क्या होता है? CNC सर एक बेसिकली मशीन टूल है, जिसमें हम लोग कोई भी कमांड हम लोग प्रोफाइल में कटिंग कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए मुझे वो बाल्टी वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो बाल्टी बन जाएगी इसमें? हाँ सर। कितना टाइम लगेगा इसमें? सर वही 3-4 घंटा लग जाएगा सर, एक बाल्टी तैयार करने में 3-4 घंटे ज़्यादा लग जाएगा सर। लेकिन वो सब बाल्टी एक तरह से ये डेमो के रूप में, एक तरह से अभी प्रोटोटाइप कह सकते हैं। यस सर। बड़ी उपलब्धि है, बनाया गया। और ये क्या कुछ है, ये जो पूरा लगा हुआ है जो वायर के साथ, इसी से पूरा ये जो है ये पूरा इसी से रोटेट होता है पूरा? ये उसका बेसिकली CPU है, कंप्यूटर। अच्छा सारा वर्क जो है इसी से होता है? यस सर। कैसे कैसे जो है आगे वर्क करना है, कैसे ऑपरेट करना है? पहले तो सर हम लोग डिजाइन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये मशीन सेंस करेगा, ड्राई रन करेगा, और फिर ये सर नोजर के थ्रू हम लोग कोई भी कंपोनेंट को रेडी करेंगे।
देखिए पूरा जो ढांचा है तैयार हो चुका है और भी उनसे बात कर दूसरे छात्र जो हैं। अच्छा जब आए थे सोचे थे कि इस तरह का मशीन जो है बना पाएंगे हम लोग, जब शुरुआत में 2021 में आप लोग यहाँ पहुँचे थे तब? नहीं सोचे तो नहीं थे, देखें कि यहाँ का माहौल सीखने के लिए बहुत कुछ है तो हमने ये सोचा इसको बनाने के लिए। तो हमने सर के पास डिजाइन था तो हमने देखा और इसको बनाने के लिए कोशिश की थी। टीचर्स ने कैसे मदद? टीचर्स ने बहुत मदद की है इसके इसको करने के लिए। जो क्या सहयोग? उनसे बहुत सहयोग मिला है मशीनें सीखने के लिए और किस तरह से ये सब होंगे बनेंगे वो सब हमें सर ने बताया, टीचर्स ने बताया। अच्छा घर में आप लोग जब बताए होंगे कि हम लोग खुद से 3D प्रिंटर बनाए, झारखंड का सबसे बड़ा 3D प्रिंटर बनाए, तो घर में क्या प्रतिक्रिया थी, क्या सोचा, क्या बोला? सर घर में पेरेंट्स ने बोला कि एक अच्छी उपलब्धि है और आगे बढ़ो, इससे अच्छा और करो। तो और कुछ योजना है बनाने की? अभी फिलहाल तो नहीं सोचा, आगे सोचूंगा सर। क्योंकि अब तो आप लोग प्लेस्ड हो गए, दूसरे कंपनी में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। अभी कुछ सर यूनिक मिलेगा तो उस हिसाब से हम सोचेंगे, कुछ इनोवेटिव कुछ डेवलप करेंगे आगे। डेवलप करेंगे। आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, कैसे देखते हैं बहुत सारे जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ से निकल रहे हैं और प्लेस्ड हो रहे हैं। ये अभी तक जो रिकॉर्ड है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट जो है वो मिलता है छात्रों को। देखिए प्लेसमेंट तो यहाँ पे 100% है और वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उसी समय से मशीनें इनोवेटिव कुछ अलग दिखता है इनको और वहीं से इनके दिमाग में आता है कि हाँ हमें भी कुछ अलग करना है। करना कैसे है? तो टीचर्स हैं यहाँ पे, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग टीचर हैं जो कि इनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सक्सेस होने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जो कि ये देख के मोटिवेट तो होते हैं बट उनके अंदर जो आग लगाने का काम होता है टीचर का वही काम है, बस थोड़ा सा ये कर दो उसके बाद बच्चा खुद ब खुद आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं और उसका नतीजा ये है कि ये 3D प्रिंटर ऑलमोस्ट 90% कम्प्लीट है और ट्रायल एंड रन हम लोग देख रहे हैं। प्रोटोटाइप में ही काफी कह सकते हैं काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है, ट्रायल एंड रन है। अब फाइनल हो जाएगा, 2-3-4 ट्रायल के बाद ये कंप्लीट होके हो जाएगा। अच्छा ये बताइए जो यहाँ से छात्र जितने भी जाते हैं विभिन्न कंपनियों में प्लेस्ड है, फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या किसी तरह की शिकायत है या फिर कह रहे हैं कि यहाँ से हम जो सीख गए हैं वो सीखा हुआ उन कंपनियों में काम आ रहा है? नहीं देखिए फीडबैक बहुत ही अच्छा मिलता है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ज़्यादा करने को मिल रहा है और हमारा जो रेगुलर मेंस पढ़ाई है वो भी 2 दिन की थ्योरी और 4 दिन प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो उस वजह से क्या है, कहीं भी कंपनी में जाते हैं तो इनका मीन्स वहाँ का मीन्स एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है कि मतलब काफ़ी अच्छे काम करते हैं, प्रैक्टिकल भी सीखे हैं। तो किसी कंपनी से आज तक ऐसा नहीं आया है कि आपके स्टूडेंट कंप्लेन नहीं है और मीन्स काम नहीं कर रहे हैं या उन्हें मशीन चलाना ही नहीं आता, तो ऐसा फीडबैक नहीं है। बल्कि वहाँ से मीन्स अप्रिशिएशन लेटर ही आते हैं कि आपके स्टूडेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब सिखाया वो काम आ रहा है और बच्चों को भी काम आ रहा है, साथ में आप लोग को भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। हाँ और प्लस क्या है कि हम रेगुलर जो इनका सिलेबस है उसके साथ कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं तो उनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनको हमेशा टच में रहते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता जैसे रेगुलर दूसरे कॉलेजेस हैं जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे हम उसको पूरा फोकस है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ छात्रों का हर एक इनका जो स्पेशली जो डिप्लोमा टूल एंड आई मेकिंग का 100% प्लेसमेंट होता रहा है और प्लेसमेंट आप ये समझिए कि इवन एक से ज़्यादा भी प्लेसमेंट होता है, 100% ज़्यादा। और हमारा जनवरी फरवरी मार्च में ही कैंपस इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं और अब जो कंपनीज आ रही हैं हमको डिनाई करना पड़ रहा है कि भाई अब नहीं है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स की मेहनत है और हमारे फैकल्टीज़ का जो डेडिकेशन है, जो यहाँ पे डिसिप्लिन हम लोग मेंटेन करते हैं और झारखंड सरकार ने जो इतनी अच्छी मशीनें और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो डेवलप किया है उसी वजह से एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हम दे पा रहे हैं और इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग पूरे डिसिप्लिन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो हमारे स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने पीयर इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से कंपनी से हर साल डिमांड आती है कि जो है कि हमें और लड़के, किसी ने 10 ले गए तो इस बार हम 15 या 20 ले जाएंगे, जिसमें आप समझिए कि मारुति उद्योग लिमिटेड में हमारे स्टूडेंट्स गए हैं
जय भारत मारुति में, टिमकेन में, टॉलरोस में और भी बहुत सारी जो है अच्छी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हुआ है। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है AICTE को कि हमारी सीटें बढ़ाई जाएं क्योंकि कम पड़ जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बच्चों का भला हो, समाज का भला हो, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। जो मोटिवेशन मिला है और जिस तरह की शिक्षा यहाँ से दी जाती है उसी की वजह से जो है यहाँ के छात्र जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, प्लेस्ड हो रहे हैं विभिन्न कंपनियों में। और अभी जो हमने तस्वीर दिखाई जहाँ पर झारखंड का सबसे बड़ा 3D प्रिंटिंग भी बना दिया है यहाँ के छात्रों ने, वो भी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही बड़ी उपलब्धि झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम की भी है क्योंकि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो लगातार यहाँ से प्लेस्ड भी हो रहे हैं और 100% यहाँ का रिकॉर्ड है। और इस बार भी 100% का जो रिकॉर्ड है वो कायम है क्योंकि जो 2021 बैच के जितने भी छात्र थे जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है वो भी अब प्लेस्ड हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि और किस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ यहाँ पर छात्र आते हैं और क्या कुछ नया करिश्मा करते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार।